स्टूडेंट साथी में आपका स्वागत है। मैं हूँ कल्पना, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 67वीं बीपीसी को लेकर के, मुख्य परीक्षा को लेकर के, जो करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका मॉडल आंसर जारी कर रहे हैं, जो क्लासेज में ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आते हैं भूख सूचकांक पर। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, उसको लेकर के बीपीएससी आगाम जो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा हुई है उनमें प्रश्न पहले आते थे। 65वीं बीपीएससी तक आई थी, 66वीं में नहीं आई थी। तो बीपीएससी को लेकर के आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा 66वीं में नहीं किया तो इस बार नहीं करेंगे। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो प्रश्न को हम लोग देखते हैं, हल करते हैं। प्रश्न जो है प्रश्न है भूख सूचकांक, हंगर इंडेक्स इसे कहा जाता है, हंगर इंडेक्स। इसके विभिन्न संकेतकों को स्पष्ट करें। भारत जैसे देश की वर्तमान रैंकिंग निचले स्तर पर बनी हुई है, इसके कारणों की जांच करें। दो प्रश्न है, भूख सूचकांक क्या है, इसका जो संकेतक है उसको भी स्पष्ट करना, और भारत की स्थिति भी इसमें स्पष्ट करना है। तीन प्रश्न एक तरीके से हो जा रहा है। आते हैं उत्तर में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक भुखमरी की समीक्षा करने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है, ये हर वर्ष आता है, जो वैश्विक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, तीन स्तर पर जारी होता है। पहला है वैश्विक, दूसरा है आपको क्षेत्रीय, तीसरा है राष्ट्रीय। तीन स्तर का ये रिपोर्ट जारी करता है, जैसे कि वर्ल्ड वाइज क्या है आपको आसपास क्षेत्रीय का मतलब जो पड़ोस के देश हैं उनके अनुसार, और तीसरा राष्ट्रीय होता है, पर व्यापक रूप से भुखमरी का मापन करती है। इस सूचकांक में भारत इस वर्ष क्या है, 121 देशों में भारत का जो कौन सा स्थान है, 107वां स्थान पर है। साथ ही भारत का जो रैंक, ये पॉइंट आया है जो 100 होता है, 100 में देखा जाता है कि भारत कितना लाया है, तो 29.1 का स्कोर के साथ भारत है जो गंभीर श्रेणी में इन्हें डाल दिया गया कि भारत में गंभीर रूप से भुखमरी है। इसको लेकर के विवाद भी बहुत हुआ था, कहीं ना कहीं इसमें विरोधाभास भी नजर आती है कि भारत में इस स्तर पे भुखमरी नहीं हो सकती जिस स्तर पे उन्होंने डाल दिया है गंभीर श्रेणी में। एक्चुअली 100 में होता है आपको 38 पॉइंट समथिंग तक गंभीर श्रेणी रहता है, तो भारत को उसमें डाल दिया गया उस श्रेणी में, जो कि भारत में खाद्य असुरक्षा को दर्शाता है। जबकि भारत में अभी खाद्य जो उत्पादन है जितना जरूरत है, आवश्यकता से काफी अधिक इसमें उत्पादन होता है। तो यह हो गया आपको भूमिका कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक भुखमरी की समीक्षा करने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है, जो वैश्विक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भुखमरी का मापन करती है। इस सूचकांक में भारत का 121 देश में 107वां स्थान आया है। साथ ही 29.1 का स्कोर के साथ भारत को किस श्रेणी में रखा गया, गंभीर श्रेणी में रखा गया है, जो कि भारत के खाद्य असुरक्षा को दर्शाता है कि भारत में इतनी गंभीर श्रेणी में है। सामान्य दृष्टिकोण से भुखमरी भोजन की कमी से होने वाली परेशानी को संदर्भित करता है। जैसे आप लोग, हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि भुखमरी है यानी कि उसके पास भोजन की उपलब्धता नहीं है, लेकिन परंतु वैश्विक भुखमरी सूचकांक का मापन भुखमरी की बहुआयामी प्रकृति पर विचार करती है। सिर्फ वैश्विक जो भुखमरी सूचकांक है वो भूख को लेकर के नहीं है कि खाने की उपलब्धता से रिलेटेड नहीं, सिर्फ नहीं है, हाँ खाने से रिलेटेड है, लेकिन इसमें पोषण को भी जोड़ दिया गया है। जैसे आप ये खाना तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन खाने में पोषण होता है कि नहीं, संतुलित वो भी देखा जाता है, बहुत आयामी प्रकृति पर विचार करती है। इसके मापन के चार घटक हैं। मापन का चार घटक है, कौन कौन है देखते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के चार घटक हैं। पहला है आपको अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, चौथा है
बाल मृत्यु दर हो सकता है, इकोनॉमी में भी ये प्रश्न आ जाए, जरूरी नहीं कि करंट अफेयर में ही रहे। ये चारों याद कर लीजिएगा, अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। अब इन चार आधारों पे देखते हैं भारत का क्या स्थिति है, भारत की स्थिति को देखते हैं क्या है। अल्प पोषण में आते हैं सबसे पहले, इसका निर्धारण अपर्याप्त मात्रा में कैलोरी, भारत में वैसे भी देखते हैं कि भोजन को कैलोरी में मात्रा जो होता है कैलोरी में मापा जाता है, तो अपर्याप्त मात्रा में जो कैलोरी लेने का आधार पर होता है, इसका जो अल्प पोषण होता है उसमें कम मात्रा में जो कैलोरी लिए ये आधार माना गया। इस सूचकांक के अनुसार भारत में अभी 16.3% जनसंख्या अल्प पोषित है, ये अभी इस बार गंभीर हो गया है क्योंकि पिछले बार 14 पॉइंट समथिंग था, जो 2% बढ़ चुका है, तो एक ये गंभीर है अल्प पोषण। ये हो भी सकता है क्योंकि खाने की उपलब्धता ही आपके पोषण को सुनिश्चित नहीं करती है, खाने के साथ साथ आपको पोषण भी, जैसे दाल है उसमें पोषण है, तो किसकी उपलब्धता है, किस तरीके का कौन खाना खा रहा है, जरूरी नहीं है कि बहुत पेट भर खाना खा लिया तो पोषित ही खाना खा रहा हो। तो अल्प पोषण है सबसे फर्स्ट, इसका मात्रा का कैसे मापा जाता है, कैलोरी का आधार होता है। अब आते हैं दूसरा, चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग जो होता है यह उम्र की तुलना में कम ऊंचाई को दर्शाता है, जैसे कि आप देखते हैं बौनापन देख सकते हैं, बहुत जो कई लोग होते हैं कि 15-20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, लेकिन उनकी जो ऊंचाई होती है 3 फुट 2.5 3 4 फुट तक ही होती है, तो इसे कहा जाता है चाइल्ड स्टंटिंग, यह उम्र की तुलना में कम ऊंचाई को दर्शाती है। ये भी अपर्याप्त मात्रा में पोषण के कारण ही होता है, किसी की लंबाई इतनी बढ़ गई और जो होता है, तथा यह अस्थायी कुपोषण को दर्शाता है, मतलब ये कुपोषण है, ये ऐसा नहीं है कि एक समय के बाद अगर अच्छा भोजन मिल जाए तो कुपोषण खत्म हो जाएगा, ये कुपोषण अस्थायी रूप से ही रहता है। आमतौर पर गरीबी, सामाजिक आर्थिक स्थिति की कमजोर, सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ साथ कमजोर मातृ स्वास्थ्य, जैसे किसी की माता बहुत अस्वस्थ है तो बच्चों में आ जाता है और पोषण से जुड़ा है। भारत में बच्चों की स्टंटिंग की दर है 35.5% दर्ज की गई है, ये भी है जो भारत में इस बार कमा है, इसमें अच्छी स्थिति थी भारत की पहले से। आते हैं आगे चाइल्ड वेस्टिंग पर। चाइल्ड वेस्टिंग, इसमें ऊंचाई की तुलना में कम वजन होता है, जैसे हाइट हो गया आपको 5 फीट 6 फीट, या फिर कोई बच्चा ही है तो उसकी ऊंचाई है 3 फीट 4 फीट, लेकिन उसका जो वजन है काफी कम है, 5 फीट 6 फीट है, तो वजन का भी एक आधार होता है, तो वजन जो होता है ऊंचाई की तुलना में अगर कम रहेगा तो क्या कहलाता है, चाइल्ड वेस्टिंग। तो यह है जो कुपोषण का चरम दृश्य है। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ कुछ बच्चों का फोटो आता है, इथोपिया वगैरह से आया था, बहुत पतले थे, मतलब हड्डी दिख रही थी, तो ऐसे बच्चे चाइल्ड वेस्टिंग के शिकार होते हैं, तो ये चरम दृश्य होता है। इस वर्ष भारत में इसका स्कोर 19.3% है, लगभग 3% ही बढ़ा है पिछले बार से, तो इसमें भी भारत है जो ये चाइल्ड वेस्टिंग में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। अब आते हैं जो चौथा आधार है, बाल मृत्यु दर। यह 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु की दर को दर्शाता है, जो बच्चे होते हैं जैसे जन्म लेने से 5 वर्ष तक में जो जिन बच्चों की मृत्यु होती है वो कहलाती है बाल मृत्यु दर। तो इसमें भारत में इस वर्ष बाल मृत्यु दर है जो 3.3% रहा है, और ये भी वृद्धि ही नहीं, इसमें वृद्धि नहीं हुआ, इसमें कमी हुआ है। आते हैं आगे, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, एक अरे वार्षिक रिपोर्ट है
जो पांच वर्ष की अवधि के डेटा का उपयोग करती है। अब अभी से लेकर के 5 वर्ष पहले तक का डेटा का उपयोग करके करती है। वर्ष 2022 की गणना वर्ष 2017 से 2021 तक के डेटा का उपयोग करके किया गया। अब अगले वर्ष आएगा 2023 में, तो शायद डेटा थोड़ा और अजीब रहे क्योंकि बीच में कोविड भी आ गया और थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम भी आ गई है, तो अगले बार शायद स्थिति अच्छी नहीं रहे। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 3 स्तरों पर जारी किया जाता है। वो स्तर हैं वे स्तर हैं वैश्विक स्तर, दूसरा है क्षेत्रीय स्तर। थोड़ा ये फास्ट चल जाता है कभी कभी। वैश्विक स्तर, दूसरा है क्षेत्रीय स्तर, तीसरा है राष्ट्रीय स्तर। देखते हैं इसमें भारत की स्थिति, धीरे धीरे देखते हैं एक एक करके। वैश्विक स्तर, वर्ष 2022 में 18.2 वैश्विक स्कोर के साथ भुखमरी वैश्विक स्तर पर मध्यम है। मतलब कि बहुत ज्यादा ये नहीं है, गंभीर नहीं है, यह मध्यम है वैश्विक स्तर पर। इस सूचकांक में 44 ऐसे देश हैं जो गंभीर या खतरनाक, जैसे भारत गंभीर श्रेणी में है, गंभीर से भी ज्यादा खतरनाक है, जैसे कि चाड को और बहुत सारे देश है, कांगो वगैरह को बहुत गंभीर खतरनाक में डाल दिया गया है। तो ये जो देश है वैश्विक स्तर पर, इनका जो स्कोर है खराब है। लगभग 44 ऐसे देश है जो गंभीर या खतरनाक है। अब आते हैं क्षेत्रीय स्तर पे, दूसरा होता है क्षेत्रीय स्तर पे होता है। भारत अपने पड़ोसी देशों अथवा एशियाई देशों में भी पीछे है। भारत अपने पड़ोसी देशों में और एशिया दक्षिण एशियाई देशों में भी पीछे है। देख सकते हैं भारत अगर चीन को छोड़, चीन भी आपको बहुत आगे है अभी, उसका रैंकिंग बहुत अच्छा है। इसमें इस सूचकांक में स्थिति देखते हैं, थोड़ा सा इन चीजों को लेकर के थोड़ा थोड़ा लगता है कि इन रैंकिंग को तैयार करने वाले थोड़ा सा विरोधाभास आता है कि जो श्रीलंका जो खाद्य संकट से गुजर रहा है उसकी रैंकिंग 64 देना कहीं ना कहीं एक बहुत मजाक लगता है। जहाँ भारत में वैसी स्थिति नहीं है, भारत उनकी मदद कर रहा है, बट श्रीलंका की स्थिति 64 में डाल दिया इन्होंने, नेपाल की 81 दिया है इन्होंने, बांग्लादेश का 84, पाकिस्तान का अभी बहुत उनकी आर्थिक चुनौती है, उनके यहाँ भी खाद्य संकट है। अमेरिका जैसे देश अगर अभी मदद ना करे तो उनकी स्थिति भी बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी इन्होंने रैंकिंग दिया है। अफगानिस्तान का बस अच्छा नहीं है, 109वां रैंक है, भारत से पीछे है, पड़ोसी देशों में मात्र ही एक पीछे है हमारे, बाकी सब आगे है। तो ये क्षेत्रीय स्तर पे देखे हैं, देख रहे हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर में भारत में पिछले कुछ वर्षों तक सुधार नजर आ रहा था, पिछले कुछ वर्ष में आ रहा था, लेकिन परंतु वर्ष 2022 की रिपोर्ट ने इसे खाद्य सुरक्षा के प्रति सचेत किया। पिछले वर्ष भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति दिया था, 101वां रैंकिंग था और इस बार 107वां है। देखते हैं पिछले कुछ वर्षों में भारत का प्रदर्शन। एक साइड हम लोगों ने वर्ष कर रखा है, दूसरे साइड दो हजार अठारह में 103वां रैंकिंग है, 2018 में अच्छी स्थिति तो नहीं थी, कभी भी दिया नहीं है, लेकिन 103 था। 2019 में 102 था, 2020 में अच्छी स्थिति हो गई थी, 94वें रैंकिंग आया खाद्य, लेकिन 2021 में 101 हो गया और 2022 में और बुरा दे दिया है, 107 दे दिया है। तो स्थिति बुरी ही नजर आ रही है अगर इस रिपोर्ट के अनुसार चले तो। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत के प्रदर्शन को देखते हुए मौजूदा स्थिति में सुधार की दिशा में किए जा रहे बदलाव की आवश्यकता है। भारत की रैंकिंग में समग्र परिवर्तन हेतु जो परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जो ये राज्य हैं, या राजस्थान को भी देख ले, उड़ीसा को भी, अगर इन राज्यों में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव लाया जाए तो इन
भुखमरी में रैंकिंग अच्छी से सुधर सकती है सूचकांक में। समग्र परिवर्तन के लिए किसमें किसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जो कहा जाता है ना बीमारू राज्य कहा जाता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, इन राज्यों में भी विशेष सुधार की आवश्यकता है। अगर इनमें कर दिया जाए तो रैंकिंग बहुत हद तक सुधर जाएंगे। वैसे भी ये जो छोटे छोटे राज्य हैं, बहुत सारे देश इनसे छोटे हैं, तो अगर इनमें सुधार हो जाए तो बहुत हो सकता है। इसके साथ ही वैश्विक भुखमरी सूचकांक की कार्यविधि में भी सुधार की आवश्यकता है। सिर्फ हमारे देश में ही सुधार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रैंकिंग इस बार कहीं ना कहीं रैंकिंग पर हमारे सरकार ने या हम लोगों को भी विरोधाभास नजर आया कि जो रैंकिंग दिया है उसका जो आधार है वो भारत के लिए सुटेबल नहीं है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो सही नहीं है, तो रैंकिंग का जो आधार है उसमें सुधार करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ जो हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो भारत के परिप्रेक्ष्य में सही ही हो। तो भुखमरी सूचकांक के कार्य विधि में भी सुधार की आवश्यकता है। भारत सरकार ने इसके लिए तर्क दिए हैं। भारत सरकार को ऑब्जेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कोविड में भारत ने इतना कार्य किया, उसके पहले भी किया था, और मतलब बदलाव ला रही है, उसके बाद भी आप रैंकिंग डे बाय डे आप गिरा रहे हो, तो किसी को भी बुरा लग जाए कि भाई मैं मेहनत डे बाय डे कर रहा हूँ, इतना अपने लोगों को खाना उपलब्ध करवा रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों में, और बार बार मेरी रैंकिंग आप लोग गिरा करके हम लोग को डिसअपॉइंट कर रहे हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, किसी भी देश को अच्छा नहीं लगेगा। और जो सरकार कार्य कर रही है इस दिशा में, बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है रेगुलरली, तो उसे बुरा लगना लाजमी है। और जिस स्तर पे इन्होंने गंभीर दिया है उस स्तर पे अगर भारत में देखें तो गंभीर आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं नजर आती है। सरकारी स्तर पे भी सहयोग है, कई एनजीओ भी कर रही है, लोग अपने स्तर पर भी कार्य कर रहे हैं, स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है। उसके बाद भी अगर ऐसा रैंकिंग आता है तो वो सवाल उठाना लाजमी है, और भारत सरकार ने भी इस रिपोर्ट पर सवाल किया। जो सवाल किया उसका आधार है, सबसे पहला उन्होंने आधार दिया, सूचकांक भुखमरी के भ्रामक मापन का प्रयोग करती है। जो उनका मापन का आधार है बहुत अच्छा नहीं है, सही नहीं है, अलग अलग तरीके से मापन कर लेते हैं सही। दूसरा है, इसके उपयोग में चार चरक, चर की जगह आप घटक भी लिख सकते हैं, में से तीन जो चर हैं सिर्फ बच्चों के लिए ही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर, तीनों की तीनों है जो बच्चों के लिए ही नजर आते हैं, बड़ों के लिए नहीं। तो आप सिर्फ बच्चों को देख करके आप कैसे ही कह सकते हैं कि पूरा का पूरा देश है जो भूखमरी को झेल रहा है, पूरे देश को आप एक साथ कटघरे में ला करके खड़े कर दिए। तो इस रैंकिंग पर ये भी सवाल उठाया। तीसरा है, इन्होंने कहा कि इसका जो घटक है अल्पपोषित मात्र जो है 3,000 लोगों को के सर्वेक्षण पर है। इन्होंने कहा कि जो अल्प पोषण है, जो कैलोरी की मात्रा कम लेता है भारत के लोग, मात्र 3,000 लोगों पर किया। जहां 135 करोड़ जनसंख्या है जिस देश की, वहां मात्र 3,000 लोग पे ही आप लोगों ने डेटा का सर्वेक्षण कर लिया और आप लोगों ने जारी कर दिया कि भारत में भुखमरी है। ये कहीं से भी उचित नहीं है, और कहाँ से आपने 3,000 लोगों को लिया ये भी नहीं पता। भारत के आकलन के लिए उपयुक्त है ही नहीं, क्योंकि भारत का जो है विविधता है, आपको भौगोलिक रूप से देखे, आपको हर तरीके से विविधता, रहन सहन, खान पान, तो ये जो आकलन है भुखमरी का ये भारत के लिए नहीं है। तो कभी कभी जो सूचकांक आते हैं तो सूचकांक पे मुझे पर्सनली लगता है कि कब सर्वेक्षण करते हैं और कहाँ करते हैं, किन से आधार लेते हैं और कहाँ से जारी कर देते हैं, ये अजीब सा लगता है। और कभी कभी लगता है कि ये सर्वेक्षण जो इंडेक्स आते हैं उसमें ज़्यादातर भारत का इमेज डाउन ही करने के लिए किया जाता है। कभी कभी लगता है कि ये लोग करते क्यों है जारी, बस अपने पसंद के देशों को अच्छा देना रैंकिंग, और जो देश पसंद नहीं है उनकी रैंकिंग खराब कर देना विदाउट एनी रीजन। क्योंकि ठीक है भारत में है गरीबी भी है, कुपोषण भी है, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इतनी नहीं है कि गंभीर चुनौती है जितना। और अगर श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में आज के टाइम में देखें तो भारत की स्थिति मच बेटर है, लेकिन इन लोगों ने जो डाला वो तो मजाक ही बना दिया भुखमरी का। आते हैं
इसके बाद भी भारत में भुखमरी तो है ही, ये नहीं कह सकते कि ठीक है गंभीर में इन्होंने रखा वो गलत था, लेकिन भुखमरी है। उसका आधार मैंने पहले भी बताया कि जो कैलोरी लेते हैं हम लोग, बहुत खाना खाते हैं लेकिन पूर्ण उसमें पोषण नहीं होता है, तो भुखमरी है। और इससे असहमत, इस बात से असहमत भी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है कि कर रहे हैं कि अच्छा हमारे यहाँ भुखमरी ही नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो रैंकिंग दे रखी उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, ये बात है। अपना स्टैंड हमेशा क्लियर रखना चाहिए कि जो गलत है उसका विरोध करो, क्योंकि आप लोगों ने जिन्होंने मेहनत किया उन्हें बुरा लगता है वोट डालने के बाद। उसका कारण क्या है? अनौपचारिक कार्यबल। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यबल बहुत ज्यादा है औपचारिक क्षेत्र की अपेक्षा, तो उनका जो है इनकम है या रहन सहन है बहुत उचित नहीं होता है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। ऑलरेडी बहुत आप वर्ल्ड के सेकेंड हाईएस्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में रहते हैं, और धीरे धीरे ये कहा जा रहा है कि विद इन फ्यू ईयर वी आर गोइंग टू बी फर्स्ट लीड इन दिस पॉपुलेशन में, हम लोग लीड करने वाले हैं। गरीबी भी है बहुत है, अगर नहीं रहती तो बीपीएल सूची नहीं जारी होती, और कुछ योजनाएं जो गरीबों के लिए लाई जाती है, गरीबी है। हमारे यहाँ पर कैपिटल इनकम भी कम है तो गरीबी है नो डाउट। बेरोजगारी भी है, आज के टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी हर स्तर पर है, उसमें भी एक प्रचंड बेरोजगारी भी आती है किसानों की कि कुछ महीने वो बेरोजगार रहते हैं। निम्न जीवन स्तर भी है, इसमें भी जो स्लम एरियाज में रहते हैं, या आप सिर्फ स्लम एरियाज में ही रहने वालों के लिए भी नहीं, आप मिडिल क्लास हो में भी हो तो उनका भी जीवन स्तर बहुत अच्छा नहीं होता है। शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का मतलब अभाव का मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव भी कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा तो दिया जा रहा है लेकिन उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, तो शिक्षा भी इम्पॉर्टेंट मैटर कर जाता है, क्योंकि बच्चों को अगर पता रहेगा कि हाइजेनिक चीज़ें क्या है, अनहाइजेनिक चीज़ें क्या है, क्या क्या चीज़ें छूना है क्या नहीं, तो बहुत ज़्यादा वो पोषित चीज़ें क्या खाना है क्या नहीं, क्योंकि माताओं को ही पता रहेगा कि बच्चों को हमें क्या खिलाना है तो अच्छा पोषण देंगी, तो शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लैंगिक असमानता भी है, खाने में ही कई जगह ऐसा है कि लड़के और लड़कियों में बहुत भेदभाव किया जाता है, तो जो खाना पुरुषों को दिया जाता है महिलाओं को, इसमें क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, जो फैक्ट है सो है। जरूरी नहीं कि सबके घर में सेम कंडीशन है, बहुत घरों में अच्छी भी कंडीशन होती है कि लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव नहीं होती है। मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, लेकिन कई घरों में लैंगिक असमानता आज भी विद्यमान है, और उसके कारण क्या होता है कि उन्हें अच्छे स्तर पे जो पोषण मिलना चाहिए लड़कियों को वो नहीं मिलता है। खराब स्वास्थ्य भी है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। भ्रष्टाचार भी है, हर सेक्शन में है आपको भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार ना रहे तो योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो अच्छे तरीके से हो जाए। इसके साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, दोषपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली। वैसे तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इधर कुछ वर्षों में देखे तो बहुत अच्छा किया गया, जैसे कि हमने देखा था कुछ वर्ष पहले हाल में जब कोविड आई थी तो देखा था कि बहुत बुरा कंडीशन हुआ था कि जो दूसरे राज्यों में जो पलायन किए हुए थे निवासी, स्पेशली जो बिहार के लोग थे, उन्हें बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा था। तो अगर राशन कार्ड वहाँ भी उन्हें अवेलेबल रहता तो उनके पास खाने की उपलब्धता होती, लेकिन गलत यहाँ पे हुआ कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है हम लोग क्या एकीकृत नहीं थे। अब जोड़ा जा रहा है, ठीक है, एक देश एक राशन कार्ड आ चुका है, अब आया है तो इसे सुधार किया जा रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन इसमें भी सिर्फ यहाँ पे गलत नहीं है, इसके अलावा जहाँ वितरण प्रणाली होती है वहाँ पे क्या होता है कि मिलावट होता है, या लोग सामान खरीद के उधर बेच दिए, यहाँ बहुत वहाँ पे जो वितरण क्षेत्र जो होता है वहाँ पर ही भ्रष्टाचार है, तो वहाँ पे भी हो जाता है दोषपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली। प्रचंड भुखमरी, प्रचंड भुखमरी का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला प्रचंड बेरोजगारी होता है कि रोजगार ऐसा जहाँ पर कुछ समय के बाद रोजगार ना रहे, मतलब पूरे साल रोजगार ना रहे। जैसे कृषक, कोई किसान है तो जब खेती करता है तो पूरे साल
काम उसके पास नहीं रहता, एक टाइम के बाद वो बैठा भी रहता है। वैसे ही प्रच्छन्न है, भूखमरी होता है, जो पोषण कम मिलता, खाना मिलता है लेकिन पोषण उतना नहीं मिलता है। पोषण में कमी आदि भी कारक है, तत्व है। भूखमरी से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्य किया गया? ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन गवर्नमेंट कर रही है, ऑलरेडी बहुत हद तक कर भी चुकी है। पहले की सरकारें भी कर रही थी और आज की सरकार भी कर रही है। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दे रही है, जो 100 दिन का रोजगार होता है, तो रोजगार आपके पास रहेगा, जो बैठे लोग हैं उनके पास पैसा रहेगा तो खुद पर खर्च करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया गया था और आज भी किया जा रहा है, कई लाभार्थी हैं आज के टाइम में भी, और पहले भी किया जाता था। 5 केजी चावल और गेहूं जो था राशन कार्ड पे और चना वगैरह मिल रहा था। गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार द्वारा पोषण तथा आर्थिक सहायता भी दिया जाता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें पोषण कुछ ज्यादा चाहिए होता है, तो उन्हें है जो सरकार द्वारा कुछ पोषण के लिए भी सहायता दिया जा रहा है और साथ में आर्थिक सहायता भी दिया जा रहा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी है, जिसके अंतर्गत आर्थिक सहायता जैसे 5,000 रुपया दिया जाता है। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष, जो कि आपको ये टीकाकरण पर है, मिशन इंद्रधनुष। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी ही वर्तमान सरकार ही कर रही है, पहले की भी सरकार करती थी। अभी पोषण योजना जो है वो पहले क्या था, पोषण योजना भी आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, वो मध्यान्ह योजना थी। मध्यान्ह भोजन जो होता था स्कूलों में, उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। पहले की भी सरकारें करती रही थी और आज की भी वर्तमान सरकार भी कर रही है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट चल रहा है कि सही पोषण युक्त खाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चल रहा है। जैसा मैंने बताया कि लैंगिक असमानता भी एक चुनौती है, उसके आधार पर तो बेटियों को भी जन्म दे करके उन्हें भी बढ़ाया जा रहा है और अच्छे से इस अभियान के अंतर्गत तो उन्हें पोषण सही दिया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्य 2 के अंतर्गत भूखमरी को मिटाने का भी लक्ष्य भारत ने रखा है, 2030 तक भूखमरी को कंप्लीट खत्म कर देना है, इंडिया का लक्ष्य है। वर्तमान में भारत में संपूर्ण आबादी के लिए आवश्यक खाद्य की अनुमोदित मात्रा से अधिक, ये निष्कर्ष में होगा। अब हो गया, प्रॉब्लम हो गया, हम लोगों ने प्रॉब्लम पे भी डिस्कशन कर लिया, सरकार कर क्या रही है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अगर आपको होगा तो कुछ सॉल्यूशन भी अपने तरफ से लिख सकते हैं, जैसे सरकार को क्या क्या करना चाहिए। क्या हो रहा है, चलिए कोई नहीं देख लेते हैं, बस अपनी निष्कर्ष ही बचा। वर्तमान में भारत संपूर्ण आबादी के लिए आवश्यक खाद्य की अनुमोदित मात्रा से अधिक उत्पादन करता है। भारत में जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा हो चुका है, उससे ज्यादा वो है जो खाद्य का उत्पादन कर रहा है। जितनी जनसंख्या 135 करोड़ की आबादी के बाद भी भारत में जो उत्पादन है बहुत रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड स्तर पे हो रही है, लेकिन उसके बाद भी भूखमरी है। साथ ही पोषण सुरक्षा में बड़ी प्रगतियों के बाद भी भूखमरी जैसी चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे में सरकार के साथ देश के समग्र जनता को एक साथ प्रयास करके इससे निपटना चाहिए। अब सरकार तो अपने स्तर पे कर ही रही है, लेकिन सरकार के साथ हमें और आपको भी अपने अपने स्तर पे पोषण से निपटने के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि भारत की रैंकिंग अच्छी आए और हमारे वैश्विक स्तर पे छवि सुधरे। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, स्टूडेंट साथी से आगे भी जुड़े रहिए। आगे हम और अभी मॉडल आंसर जारी करेंगे, आपके एग्जामिनेशन तक हमारा आप और आपका साथ बना ही रहेगा और आगे भी बना रहेगा, लेकिन मुख्य परीक्षा तक हमसे जितना हो सकेगा आप लोगों की सहायता, मतलब आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। थैंक यू, स्टूडेंट साथी से जुड़े रहिएगा।